नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व आरंभ करिबा बुलेटिन। राज्य में 10,000 पार ट्रेन रे लागुनी ब्रेक। 24 घंटा रे 10,649 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछंती। खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 1557 पॉजिटिव चिन्हट होइथिबा बेले कटकरु 930 ओ सुंदरगढ़ 774 संक्रमित चिन्हट होइछंती। मालकानगिरी ओ कंधमाल को छाड़ीदेले बाकी 28 जिले में 3 अंक उपरे रहिछि डेली केस। अनुगुळरु 557, बालेश्वरु 503, संबलपुरु 494 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेपरि मयूरभंजरु 404, बरगडरु 391, झारसुगुडारु 368 ओ नयागडरु 357 जण नुआ आक्रांत चिन्हट होइछंती। सेपरि गत 24 घंटा भितरे महामारी नेछि 19 जणंकर जीवन। प्रथम थर पई राज्य रे 1 लाख पार करिछि आक्टिव केस। वर्तमान राज्य रे आक्टिव केस संख्या 1,313 रे पहुँचिछि। दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि फोन लाइन अच्छा अधिक सूचना पर। दिव्यज्योति, ट्रेन रे किंतु ब्रेक लगुनि, प्रत्येक दिन 10,000 पार कर संख्या हुए, जदिओ गत काली गोटे दिन 10,000 कमी थिला, किंतु लगातार भाव जो देखा जे 10,000 ऊपर रहुची दैनिक संक्रमण संख्या। देखो अपूर्व, निश्चित भाव जो संक्रमित संख्या दिनक दिन बढ़ुची यह बेस चिंताजनक। आपको नहीं उभय सरकार एवं जनसाधारण चिंता प्रकट करिवार आवश्यक रही, उभय सचेतन होवार आवश्यक रही, किभली यार मुकाबला करा जीवो। समस्ते मिलीमिशि मुकाबला कले जाए कोरोना को आम रोकी पारा, एभली जब पदक्षेप निया रोक जा पार जो कथा आप कहते। देखु आज प्रथम थर पर राज्य आक्टिव केस 1,00,000 पार कर, अर्थात आम राज्य 14 नंबर स्थान था जो सर्वभारतीय स्तर में आक्टिव केस रिजल्ट आप देखिए सही रिजल्ट अनुसार आम राज्य 14 नंबर स्थान था। दिल्ली को आम पछे छाड़ जाइए, आम दिल्ली ठू टपी जाइए आगे जाइए, बर्तन ताठ आगे जाए 13 नंबर स्थान को आगे जाइए। जो ना कहते आज जो 1,00,000 पार कर आगामी दिन बेड संख्या को नहीं गोटे बड़ सन्देह सृष्टि कर। ये जो 1,00,000 आक्टिव केस रही अनेक लोक बेड आवश्यक होती यार भितर यह तथ्य आसू 77% लोक बर्तमान आईसीयू से भर्ती अच्छा। आगे जब आईसीयू रमी पड़े ताहले क्यों आईसीयू भरणा कर, कारण आईसीयू को सांगे सांगे तैयारी करवा सांगे सांगे प्रस्तुत रखा एभली कार्य कर पाए, कारण यह समय सापेक्ष किभली प्रस्तुत करा सरकार कहते हैं आईसीयू बदल आम एच डी यू बेड प्रस्तुत करने को चेस्टा करक्सीजेन बेड प्रस्तुत करने को चेस्टा कर। तेज यह सुधा शेष हम और जदि आक्टिव केस बढ़ुची ताहले किभली रोगी मानक ट्रिटमेंट दिजो। सरकार कहते होम आइसोलेशन में प्राय 80-90% लोक होम आइसोलेशन रोचार, होम आइसोलेशन रोते लोक मानक किभली ट्रिटमेंट भलसे मिल से सहित कोअर्डिनेसन किभली रखा जा पार, कारण जो होम आइसोलेशन रोचान अन्य लोकों सागर मिलामिशा करार विभिन्न अभोग आसद्वारा गोष्ठी संक्रमण व्यापार संभावना रही। यार भितर निजे स्वास्थ्य विभाग कही सारी कटक भुवनेश्वर से गोष्ठी संक्रमण व्यापार संभावना देखा जाए। परिस्थिति सरकार सचेतन आवश्यक रही, होम आइसोलेशन जो रोचे से लगातार भाव में कंटाक्ट रहा, से सहित फोन जुगे वार्तालाप करवा, से किभली रोच ट्रिटमेंट किभली कौन मेडिसीन खाइबे और ता सहित ये जो बेड कमी बर्तन सामना को आसू आपको किभली मुकबिला से दिग्वे प्रस्तुत रहा आवश्यक रही। गत काली केन्द्रमंत्री धर्म प्रधान मुख्यमंत्री सहित आलोचना करते सब प्रकार सहयोग जोगाई दिजा केन्द्र तरफ लिखते सबुठ बड़ कथ से गोटे परामर्श देते से परामर्श सरकार ग्रहण करते आगामी दिन में कोविड मैनेजमेंट सरकार को सेभ किसी असुविधा हम ना, जहां धर्म प्रधान कहते कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी गठन कर प्रत्येक दल से जेकोस दल नेता कहीं समस्त ये समय कर्तव्य रही आगू आसतु समस्त एकाठी हुई कोरोना को मुकाबला करवा, जो सरकार कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी गठन करा आवश्यक रही से मुख्यमंत्री अनुरोध करा सहित कहते जो मैंने समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वेच्छासेवी संगठन राजनीतिक दल नेता मैंने आगू को आसी समस्ते एकत्रित कोरोना को मुकाबला करूँ, से राज्य सरकार सहयोग नि समस्त सहयोग समस्त एकाठी कोरोना को मुकाबला। राज्य संख्या तो प्रत्येक दिन बढ़िवार लगी 10,000 पार कर ट्रेन। आज जहाँ सूचना आसी दुईट जिला को छाड़देले बाकी जिले में 3 अंक छुई कोरोना संक्रमित संख्या, तो राज्य सरकार स्ट्राटेजी में किसी परिवर्तन करुछंती कि जोठ बारंबार लगातार अधिक केस सामना को आसू भाव खोर्धारु बारंबार अधिक केस सामना को आसू सुंदरगढ़ मध्य अधिक केस सामना को आसू लगातार भाव ये दुईट जिला किसी स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत कर। देखो अपूर्व, गत काली जहाँ केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय सांबादिक सम्मेलन
ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱଜିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି 8 ରାଜ୍ୟ ଏଠି ଲକଡାଉନ ଅବଧି ବଢ଼ାଇବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଉ, ଆସାମ ହଉ, କେରଳ ହଉ, କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ତମାମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦୂର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 2-3 ବୈଠକ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କଣ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯୋଉ 19 ଲକଡାଉନ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଉ 10-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲକଡାଉନ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚେ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି, କଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଭଳି 2 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 10,000 ଛୁଇଁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 10,649 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ 1557 ପଜିଟିଭ ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ ଆବଣ୍ଟନ, ଟିକାକରଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କରୋନା ସଂକଟକୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆବଣ୍ଟନ ସହିତ ଟିକାକରଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ହେଉଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କଲେ ଏଭଳି ସଂକଟ ସମୟରେ ଦେଶ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଅକ୍ସିକେୟାର। ଡିଆର୍ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେୟାର ବା ଅକ୍ସିକେୟାର କିଣିବ କେନ୍ଦ୍ର। 1,50,000 ୟୁନିଟ୍ କିଣାଯିବା ନେଇ ଏନେ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 332 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅକ୍ସିକେୟାର ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ କ୍ରୟକୁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଏନେଇ ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅକ୍ସିକେୟାର ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଏକ SPO2 ଆଧାରିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥ ଏବେ ଦେଶରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘାରିଛି କଏଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାରୋଲ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତିକି ବେଳେ ନଜରକୁ ଆସିଛି 2020 ପାରୋଲ ପାଇ ଖଲାସ ହୋଇଥିବା କଏଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଜେଲରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପାରୋଲ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଜେଲ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ପାରୋଲ ପାଇ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି 65% କଏଦୀ। କଏଦୀ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଅପରାଧର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଜେଲ କ୍ଷମତାରୁ 2 ଗୁଣ ଅପରାଧୀ କାଟୁଛନ୍ତି ସଜା। ବଢ଼ିପାରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଗୋଟେପଟେ ଜେଲରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାରୋଲ। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ପାରୋଲ ପାଇ ଖଲାସ ହେଉଛି। ବିଚାରାଧୀନ ଅପରାଧୀ ବାହାରକୁ ଆସି ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ ପାରୋଲରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଅପରାଧୀ। ସେହିପରି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବି ଜେଲରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମହାମାରୀ ବେଳେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାରୋଲ। ମାନବିକତାର ନାଁରେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧୀକୁ କାରାଗାରରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖଲାସ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପାରୋଲ ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି ଚମକାଇ ଦେଲାଭଳି ତଥ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନରେ 4,684 ଜଣ ବିଚାରାଧୀନ ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଏଦୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ 2,334 ଜଣ ଅପରାଧୀ କାରାଗାରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
अनेपटे 2350 जन अपराधी फेरार होती। दिल्ली जेल प्रशासन तथ्य अनुसार पारोल रे आसीथिबा 65% अपराधी फेरार अछन्ति। फेरार कैदी मानक भितर 180 जन रु अधिक पुणी अपराध घटाई गिरफ होइथिबा कहा जायछि। एहा सह 200 रु अधिक अपराधी पुरुणा अपराध को पुनरावृत्ति करथिबा आशंका करा जाउछि। अन्यपटे दिल्लीर 3टी जेल तिहार मंडली और रोहिणी 10,000 कैदी को रखिबार क्षमता थिबा बेले एथिरे 2 गुण कैदी सजा कटुथिबा कहा जाउछि। 19,500 रु अधिक कैदी एही 3टी कारागार रे रहिथिबा जेल प्रशासन पक्षरु जणा पडिछि। कैदी को जरूरी कालीन पारोल नहीं 2020 मार्च रे सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करथिले। एबे पुनी थरे कैदी को पारोल अवधि बढ़ाइबा को सर्वोच्च अदालत आदेश देछंती। पारोल रे आस्थिबा कैदी को गिरफ न करबा को कोर्ट चाहुथिबा कहा जायछि। सुप्रीम कोर्ट को एबली निर्देश रे अपराधिक कार्यकलाप बळिबा नै मत प्रकाश पाउछि। अपराधी को कोविड रु बचाइबा को जाय पुनी लोकन को अपराध रो सामना करबा को पड़ि पारे बोली आशंका करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। निजे जने डाक्तर होइ मध्य कोरोना युद्ध रे हारि जाइछंति से खाली से नुहंती तांको गर्भरे बढ़ुथुबा 7 मास रो शिशु मध्य दुनिया देखिबा गुरु आखि बुझिला। एभलिय एक कोरोना योद्धा होइछंति डाक्टर डिंपल अरोरा चावल। डिंपल ताउ दुनिया रे नहंती हेले मृत्यु पूर्वरु निजर सांगसाथी परिवार परिजन लगाई एक भिडियो छाड़ जाइछंति जेउंथरे से कोरोना को हल्का भाबे नने एहा जे केते भयंकर ताकु बुझिबा को अपील करिछंति। देखंत रिपोर्ट। दिनकु दिन बेखबर हेउछि कोरोना। प्रथम लहर अपेक्षा द्वितीय लहर अधिक मात्रा रे विपज्जनक साबेस्त हेउछि। खास करी युववर्ग महिला गर्भवती एवं शिशु मानक पई घातक साबेस्त हेउछि। व्यापक पदक्षेप सत्वे मृत्यु उपरे लागिपर्नि रोग। कोरोना जनित मृत्युर तांडव देखुछि सारा विश्व। एथिरु बाद पड़िनि भारत। क्योंकि बापा कुहरे पिला बाप छुंडे ताऊ क्योंकि घरर मुखिया कुहरे परिवार मूर विभिन्न आउ क्योंकि स्वामी स्त्री कुहरे दुखरे भांगी पड़ुछि ताऊ क्योंकि शिशु माँ कुहरे मातृप्रेम वंचित होछि। एहाकु आखि आगे रखि कोरोना को हल्का भावरे न नेबा पई निज मृत्यु पूर्वरु अपील करछन्ति जने डाक्टर जहाँकि सोशियाल मीडिया रे बेस भाइराल हेबा लागिछि। सूचना अनुजाई ये होंगे डॉक्टर डिंपल अरोरा चावला। 11 एप्रिल जितेबले डॉक्टर डिंपल पॉजिटिव चिन्हट हेले सेतेबले सेथिले 7 मासर गर्भवती। कोरोना आक्रांत हेबा परे 25 एप्रिल से निजर गर्भस्थ शिशु को हरैले आउ ता पर दिन अर्थात 26 एप्रिल तांकर देहांत हो जाइथिला। हेले मृत्यु पूर्वरु निजर सांगसाथी परिवार परिजन को लागि एक वीडियो बनाइथिले कोरोना को हल्का भावे न नेबा पई कहिबा सहित एहा केते से भयंकर बीमारी ता बुझाइथिले। ये वीडियो बना रही हूँ बहुत मुश्किल से। आई रियली वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन जो मुझे जानता है प्लीज डोंट टेक कोरोना सो लाइटली। वेरी बैड सिम्टम्स। आई एम नॉट एबल टू स्पीक बट आई रियली वॉन्ट टू कन्वे माई मैसेज टू ऑल। प्लीज वेयर मास्क whenever you go outside, whenever you interact with people, either it is outside, either at home, for your near one and dear one's safety. I really pray ye condition kisi ki bhi na ho, and specially during my pregnancy, I really don't want किसी को भी ये सिम्टम्स आए। प्लीज टेल योर फैमिली मेंबर्स डोंट टेक इट सो लाइटली। प्लीज इररिस्पॉन्सिबल मत हो। अपने अपने मास्क पहन के बाहर निकलो। अगर आपको किसी से मिलना है किसी से बात करनी है डोंट रिमूव योर मास्क क्योंकि आपके घर में देयर आर सम ओल्डर पीपल देयर आर सम चिल्ड्रन किड्स प्रेग्नेंट वुमेन्स उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। मैं कभी इस तरीके से बैठने वाली नहीं हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क I always want to run, I always want to walk.
खास करी गर्भवती महिला एवं शिशु मानक लागि एहा जे केते विपज्जनक ता से बुझेबा को चेष्टा करथिले। ए भिडियो टी एबे सोशल मीडिया रे भाइरल हेबा लागिछि। लोकमानकु कोरोना ने सचेतन करबा सह एहार भयावहता संपर्क रे बुझेबा को से चेष्टा करथिबा कहिछन्ति डिंपल को स्वामी रवीश चावला। डॉक्टर डिंपल निजे जने डॉक्टर होई मध्य कोरोना कबल रु निजो को बंचाई पानथले। डॉक्टर डिंपल तो चली गले हेले शेष मुहूर्त रे मध्य निजर कर्तव्य को न भूली लोकंकु सचेतन कर जाय छंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कोविड संक्रमण समय अनुसार अनेक रहस्यमय लक्षण देखाई चलिछे। सेथिमध्यरु गोटिए होछि हापी हाइपोक्सिया जहा एबे पलटिछि चिंतार कारण। 2020 रे कोविड रा प्रथम लहर समय रे किछि संक्रमित हापी हाइपोक्सिया रा शिकार होइथिले मध्य एबे द्वितीय लहर एहा बेसी परिमाण रे भारतीय युव कोविड संक्रमित को भीषण स्वास्थ्य समस्या रे पकाउथवा जणा पडिछि। कोविड संक्रमित हेले रुहंतु सतर्क आपण होइ पारंती हापी हाइपोक्सिया रा शिकार। हापी हाइपोक्सिया को अणदेखा आनी पारे दुख होइ पारे अकाल मृत्यु रा कारण। किपरि जानिबे आपण होइचंती हापी हाइपोक्सिया रा शिकार एथिपाई कौन कहउचंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। कोविड संक्रमण समय अनुसार अनेक रहस्यमय लक्षण देखाई चलिछि। सेति मध्यरु गोटे हेउची नीरव हाइपोक्समिया खुशी हाइपोक्सिया बा हापी हाइपोक्सिया जहां एबे पालटिछि चिंतार कारण। 2020 रे कोविड रा प्रथम लहर समय रे किछि संक्रमित हापी हाइपोक्सिया रा शिकार होइतिले मध्य एबे द्वितीय लहर रे एहा बेसी परिमाण रे भारतर युव कोविड संक्रमित को भीषण स्वास्थ्य समस्या रे पकाउथिबार जणा पडिछि। केवल एही कारण रु अनेक संक्रमित को पई जरूरी कालीन भाव रे आवश्यक होची ऑक्सीजन। तबे कोन एही हाइपोक्सिया काहे एही स्वास्थ्य समस्या को कुहा जाउची हापी हाइपोक्सिया। जणे संक्रमित केमिति जानिबे से शिकार होइचंती हापी हाइपोक्सिया रो एपरि परिस्थिति रे किपरि नेबाकु पडिबो स्वास्थ्य रो उपयुक्त जत्न। स्वास्थ्य विशेषज्ञक मतरे हाइपोक्सिया हेउची सेही स्वास्थ्य समस्या जेउतिरे रक्त रे अम्लजान स्तर आवश्यकता ठारु कम होई जाए फळरे शरीर रो विभिन्न टिश्यू रे अम्लजान पहुंची पारेनि। साधारणतः जणे सुस्थ व्यक्ति देहरे ऑक्सीजन स्तर 95 रु 100 मध्यरे रहिताए जहाकु कहा जाए ऑक्सीजन सैचुरेशन स्तर। एहाकु मापिबा पई व्यवहृत हुए ऑक्सीमीटर नामक एक डिवाइस। केतक फुसफुस संबंधीय एवं अन्यान्य स्वास्थ्य समस्या रे एहार स्तर 95 रु तळकु चली जाए एहाकु कहा जाए हाइपोक्सिया। एहा संपूर्ण शरीर पई समस्या सृष्टि करि पारे किंबा निर्दिष्ट कोनोसी अंग पई साजी पारे समस्या। रोगी श्वासन बारे कष्ट अनुभव करे किछि अंग प्रत्यंग ठीक भाबरे काम करि परंती तेबे कोविड रोगी को क्षेत्र रे किंतु एही हाइपोक्सिया सृष्टि करिछि चिंताजनक परिस्थिति। निर्धारित 95% रु हठात कमी कमी 60 बा ता तळ पर्यंत एपरि कि 40 रे पहुंचि जाए ऑक्सीजन सैचुरेशन स्तर। मात्र समस्या हेउची अनेक संक्रमित ए बाबदरे आदौ पूर्वरु जानि पारंती सबु ठीक ठाक थाए सेति पई एहा को कहा जाए नीरव हाइपोक्सिया बा हापी हाइपोक्सिया। तबे एहा जणा पडिबा बेळकु अवस्था होइ जाए असंभव। संक्रमित को तुरंत दरकार पड़े ऑक्सीजन सपोर्ट। भारत रे कोरोना रो द्वितीय लहरी रे एहा सबु वयसर रोगी को ठारे देखा जाउतिबा बेळे युवा संक्रमितक ठारे बेसी परिलक्षित हेउछ। कोविड भूताणु फुसफुस को अधिक संक्रमित होइतिले फुसफुस रो ऑक्सीजन ग्रहण करबा शक्ति कम होइ जाए। हापी हाइपोक्सिया फळरे मस्तिष्क हृत्पिंड एवं अन्य गुरुत्वपूर्ण अंगगुडी को अचल हेबा अवस्था को आसी जांती। ओठ और चर्मर रंग परिवर्तन साधारण तापमात्रा रे शरीर रु प्रचुर झाळ बाहरिबा हापी हाइपोक्सिया रो लक्षण होइ पारे। एहा छड़ा पाखरे पल्स ऑक्सीमीटर रखी बारंबार ऑक्सीजन सैचुरेशन मापिबा उचित। समस्या चिन्हट हेले तुरंत डाक्टरक परामर्श रे ऑक्सीजन सपोर्ट एवं चिकित्सा रे रहिले दूर करा जाई पारिबो हापी हाइपोक्सिया एवं रक्षा होई पारिबो जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस।
बुलेटिन शेष करने पूर्व नजर पकेबा हेडलाइंस पर राज्य में पुणि 10,000 पार दैनिक संक्रमण खोर्धारु सर्वाधिक 1557 चिन्हट मालकानगिरी और कंधमाल को बाद देले अन्य सबू जिले में तीन अंक उपरे डेली केस गला आउ 19 जीवन कोविड मुकाबला नहीं प्रधानमंत्री उच्चस्तरीय बैठक ऑक्सीजन आवंटन टीकाकरण और औषध स्थिति नहीं समीक्षा उठिला ब्लास्ट फंगस प्रसंग फार्मा कंपनी को अधिक सहयोग चाहिए मोदी मानिलेनि कोविड कटकणा विवाह भोजी कले तंड गणिले बाहागर बेले पुरुषर स्वप्नेश्वर साई में पहुंचला पुलिस मात्राधिक लोक आसीथिबारु आदाय कला जरिमाना राज्य में आसंता काली ईद करोना गाइडलाइन सह पालन हेब पर्व कटक चांद कमिटी पक्षर घोषणा मस्जिद में केवल 5 जन को नहीं नमाज पाठ आज रिलीज हेब सलमान खान का राधे करोना महामारी जो डिजिटल ले देखी हेब फिल्म सलमान का अपोजिट अच्छा दिशा पठानी समस्त रुचि बुलेटिन को एट रखु नमस्कार।